नमस्कार दोस्तों, इस लास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि क्या एक गैर वकील व्यक्ति कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी का मुकदमा लड़ सकता है या नहीं। दोस्तों, वकीलों की प्रैक्टिस करने बारे रूल रेगुलेशन गाइडेंस जो है वो एडवोकेट एक्ट से आती है और एडवोकेट एक्ट की धारा 33 कहती है कि भाई कोई भी जो अथॉरिटी या कोर्ट है उसके सामने सिर्फ एक रजिस्टर्ड एडवोकेट ही प्रैक्टिस कर सकता है। अब रजिस्टर्ड एडवोकेट कौन से होते हैं? दोस्तों, हर स्टेट की एक बार काउंसिल होती है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा की बार काउंसिल अलग है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है वो अलग है। तो इस प्रकार हर स्टेट की एक बार काउंसिल होती है और जब भी कोई व्यक्ति LLB पास कर लेता है और अपने आप को इनरोल करा लेता है तो उसको स्टेट बार काउंसिल में अपना जो है नाम दर्ज करवाना होता है, तो वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है। आजकल तो AIBE का एग्ज़ाम भी पास करना होता है तभी उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार अब एक रजिस्टर्ड वकील ही कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन एडवोकेट एक्ट की ही धारा 32 कहती है कि अगर कोर्ट के जो किसी कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति जो है वो अगर नॉन एडवोकेट और वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो जो है पहले कोर्ट से परमिशन लेगा और कोर्ट या किसी अथॉरिटी जो मतलब एक जुडिशली एक्ट अपॉन कर रही है किसी मामले में, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि भाई वो किसी भी नॉन एडवोकेट को परमिशन दे सकती है कि वो किसी के बिहाफ पे पैरवी कर सके। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। उसका कारण ये है कि भाई न्याय सर्वोपरि है और किसी गैर एडवोकेट के पैरवी करने के कारण किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि लॉ टेक्निकल है और टेक्निकलिटी के कारण किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात को कोर्ट बिल्कुल ध्यान में रखता है। तो ऐसे में कोर्ट जनरली परमिशन नहीं देता है, और कोर्ट अगर परमिशन दे भी देता है तो कोर्ट उसको बीच में भी विड्रा कर सकता है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने हरिशंकर रस्तोगी वर्सेस गिरधारी शर्मा के केस में भी बोला है कि भाई कोर्ट जो है परमिशन दे सकता है और उस परमिशन को विड्रा भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक गैर एडवोकेट व्यक्ति है और वो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो धारा 45 ये भी कहती है कि उसको 6 महीने तक की सज़ा जो है हो सकती है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या रहा दोस्तों? इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भाई एक रजिस्टर्ड वकील जो है कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा, अगर कोई नॉन एडवोकेट या कोई अनरजिस्टर्ड वकील प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वकील नहीं है वो अगर प्रैक्टिस करता है तो उसको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।